फ्रेंड्स, आज का नाश्ता है एकदम हेल्दी, बहुत ही ट्रेडिशनल और बिना एक बूंद तेल यूज़ किए हुए ये नाश्ता तैयार किया है मैंने, तो जो कि देखने में तो काफ़ी टफ लगता है लेकिन बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। और हम परेशान घबरा जाते हैं, इस रेसिपी को पसंद सबको आती है क्योंकि इसमें एक भी बूंद तेल नहीं लगा रहता है और टेस्टी भी होता है, खाने में हेल्दी भी होता है। तो इसके लिए मैंने रात में ही चना दाल को मैंने सोख करने को रख दिया था। ये आधा किलो चने की दाल है, मैंने भिगो लिया था, धुल के भिगोया था, और उसे मॉर्निंग में मैंने ग्राइंड करने को ले लिया है। इसे इस तरह से ग्राइंडिंग जार में डाल के थोड़े से पानी के साथ मैंने ग्राइंड कर लेना है। बहुत फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, हल्का सा कोर्सली रखना है इसे। हाँ, थोड़े थोड़े से दाने होने चाहिए इसमें। तो ये देखें, कुछ इस तरह से हल्का सा रवा रवा सा हाथ में इसका टेक्सचर महसूस होना चाहिए। तो बस इतना ही हमें पीस के ले लेना है। मैंने इसे इसी तरह से पीस के ले लिया। फ्रेंड्स, ये रेसिपी आप अभी जब देखेंगे आगे, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है क्योंकि ये हर एक को पसंद होती है, मेरे यहाँ सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इस तरह से मैंने जितने चने की दाल थी मैंने सारे ही पीस लिए। और यहाँ पे क्या है, ये है चावल का आटा। ये मार्केट से ख़रीदा हुआ चावल का आटा नहीं है, इसे मैंने घर पे चावल धुल के और जो चक्की से पिसाई होती है वहाँ पे मैंने पिसवाया था। बहुत अच्छा आटा तैयार होता है इससे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, पानी रखा है। तो ध्यान रखें, पानी अक्सर डबल क्वांटिटी में लगता है, तो जितना भी आटा आपको तैयार करना है, जितने आटे का आपको ये रेसिपी बनानी है या कभी भी आपको पूरी बनानी है, आटे को डो बन फॉर्म में अगर करना है तो ये एक जो मेज़रमेंट होता है डबल का होता है। पानी आप डबल रखिए आटे से, आटा जितना आपको लेना है उससे डबल क्वांटिटी में पानी चाहिए। और डिपेंड करता है कि ये चावल की क्वालिटी कैसी है, वो हो सकता है कोई कोई चावल ज़्यादा पानी थोड़ा लेता है, थोड़ा सा कम भी कोई चावल ले लेता है। तो पानी को थोड़ा कम करके रखिए, कम करके रखिए, बाद में ज़रूरत हो तो गर्म पानी के छींटे देके आप इसे इस तरह से सारे आटे मिला लीजिए। और उसके बाद से गैस को ऑफ करके बिल्कुल बॉइलिंग पानी में आटे को डालना है, फिर इस तरह से मिक्स करके और उसे गैस ऑफ करके ढक देना है हमें 10 मिनट के लिए, या तब तक के लिए जब तक हम उसे अच्छी तरह से इस तरह से छूने लायक ना हो जाए। तो फिर हम क्या करेंगे, थोड़े गरम गरम पे ही उसे इस तरह से गूंद लेंगे आटे को। तो यहाँ पे मेरी असिस्टेंट है, वो ऐसे आटा मेरा गूंद रही है। तो अभी हम दिखाते हैं आटा तैयार जब हो जाता है तो कैसा दिखता है। तो इतने पानी में हमारा आटा तैयार हो गया था, ये देखें, ये बिल्कुल चिकना डो इस तरह से तैयार हो गया है। तो इस आटे से आप बिल्कुल रोटी भी बना सकते हैं, पूरियां बनानी हो तो थोड़ा सा टाइट आटा लगता है, कम पानी में उसे साना जाता है। और यहाँ पे आ गई हमारी स्टफिंग। तो स्टफिंग ये वही है जो मैंने दाल पीस के रखी थी, मैंने उसमें मैंने हल्दी डाल दी थोड़ी सी, और साथ के साथ इसमें डाला मैंने ये थोड़ी सी ये हरी मिर्ची, लहसुन और थोड़ी सी धनिया की पत्ती थी वो मैंने इसमें पीस लिया है, उसका पेस्ट मैंने ये डाल दिया इसमें चने की दाल में। और इसमें हाँ, हींग ज़रूर डालें। मैंने हींग यहाँ पे मैंने डाली थी पर वो शूट करना इसमें रह गया है कैमरे में। और नमक डाला मैंने टेस्ट के हिसाब से, और साथ ही यहाँ पे थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट और हम डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो मैंने घर पे ही तैयार किया था, और उसकी वीडियो आने वाली है किस तरह से आप अदरक लहसुन का पेस्ट तैयार करके उसे लंबे समय तक के लिए फ्रिज में या फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं। तो आप उसे ज़रूर देखिएगा, और उसकी रेसिपी आने वाली है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले, इसके लिए नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलें। वो आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपसे क्लिक होगा। तो यहाँ पे जो चावल का आटा था उसकी बड़ी बड़ी सी बॉल्स मैंने इस तरह से ले ली है, उसे चिकना करके, और मैंने किचन के प्लेटफॉर्म पे ही इस तरह से सूखा चावल डाला है। तो ध्यान रखें, किचन का प्लेटफॉर्म बहुत ही ज़्यादा क्लीन होना चाहिए। मैंने यहाँ पे नींबू और मीठा सोडा जो आता है उससे मैंने साफ़ किया है इसे, और फिर मैंने इस पे चावल का आटा डस्ट करके और उस पे इस तरह से मैंने चावल की जो आटे की डो है उससे बॉल तोड़ के उसे
इस तरह से बेल लेना है हमें। तो ये देखें कुछ इस तरह से हम बेल लेते हैं। तो इस तरह से अगर छोटे छोटे क्रैक्स किनारे आते हैं तो कोई बात नहीं, आप इसमें से हमें छोटे छोटे से इसके राउंडल्स निकालने हैं तो कोई बात नहीं अगर क्रैक्स आते हैं। तो ये देखें मैंने एक कटोरी ली है, ये दाल वाली नॉर्मल कटोरी है जिसका जो एज है वो शार्प है काफ़ी, जिससे कि इसका कटआउट निकल जाए। तो ये देखें इस तरह से हमें इसके सारे राउंडल्स निकाल लेने हैं। अब आपके समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे बन क्या रहा है। ये बन रहा है फरा, और नाश्ते में सब लोग आज इसे ही खाएंगे। बिना एक भी बूंद तेल के हम बनाएंगे इसे, और फ्राई भी नहीं करना है, आप चाहें तो इसे फ्राई करके खा सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बॉयल ही सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। नेक्स्ट डे अगर खाते हैं या फिर दूसरे टाइम खाते हैं तो उसे फ्राई करके खाते हैं। तो फरे की रेसिपी है, उसमें जो ये पतला वाला बनता है फरा, उसके लिए छोटी छोटी सी बॉल्स हमने सोचा आपको जब रेसिपी इस तरह से शेयर कर रहे हैं तो आपको वो भी बता दें। तो ये देखें छोटी छोटी सी बॉल्स बना के उसे हाथ से इस तरह से रोल रोल करना है, और ये पतले पतले से तैयार हो जाते हैं। तो मेरे यहाँ मेरा बेटा इसी का फ़ैन है, वो बहुत ज़्यादा उसको ये पसंद है, और तो उसके लिए हमें ये भी बनाना पड़ता है। इस तरह से आप पतले वाले बनाएं, और स्टफिंग वाला भी आपको दिखाते हैं। ये देखें इस तरह से एक एक पूरियाँ हाथ में लेके और स्पून से इसे जो फिलिंग मैंने तैयार की है स्टफिंग, वो इस तरह से एक से दो चम्मच आप रखें, और इस तरह से जो एग्जेस है वो क्या करते हैं वो निकाल लेते हैं। तो जो एक्स्ट्रा इसमें दाल है स्टफिंग है बाहर आ रही है उसे निकाल लें। और ये देखें तैयार हो गया हमारा ये चने दाल और चावल का फरा, ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है। आप इसे बनाएं ज़रूर, ट्राई ज़रूर करिएगा एक बार। ये देखें इस तरह से हमें स्टफ करके और सारे ही बना लेने हैं इस तरह से। तो आज कुछ अलग सा नाश्ता ये बन रहा था, मतलब घर में सबको जो पसंद है, तो इसके लिए बहुत खुश हो रहे थे सारे के सारे। यहाँ पे मैंने भगोने में नीचे पानी रख दिया है बॉयल होने के लिए, और पानी बिल्कुल जब बॉयलिंग टेम्परेचर पे आए तो ऊपर छन्नी रख के उसमें मैंने थोड़ा सा चावल का आटा डस्ट किया है ताकि जो फरे हैं वो तैयार होने के बाद अच्छी तरह से निकल आएँ। और उस पर मैंने ये चावल के जो फरे बनाए हैं वो मैंने प्लेस कर दिए छन्नी के ऊपर। तो स्टीमर इसी तरह से तैयार कर लें, अगर आपके पास प्रॉपर स्टीमर नहीं है तो आप इस तरह से तैयार कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने ऊपर पतले वाली ये जो फरे बनाए थे वो रख दिए मैंने, और थाली के से मैंने ढक दिया। तो 12 से 15 मिनट में ये हमारे फरे तैयार हो गए हैं। ये देखें बहुत ही मीठे मीठे मुलायम मुलायम से ये फरे तैयार हो गए हैं। तो अभी गर्म है इसलिए हम आपको दिखा नहीं पा रहे हैं, बट ये बहुत अच्छे से तैयार हुए हैं, बहुत सॉफ्ट बहुत मीठे मीठे तैयार हो गए हैं फरे। तो इसी तरह से हमें सारे ही फरों को तैयार करना है। अगर आप फ्राई करके खाना पसंद करते हो तो इन्हें थोड़ा ठंडा हो जाने दें फिर फ्राई करें, पर हम ऐसे ही सबको सर्व करेंगे। और अभी चाय मेरी तैयार है और इसे हम ले जा रहे हैं सबको चटनी के साथ सर्व कर दे रहे हैं। तो इस तरह की और सारी रेसिपी के लिए बने रहें ग्लोबल देसी रसोई विद शालिनी के साथ। तो देखते रहें आप मेरा चैनल, विजिट ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। बाय।